दोस्तों हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक पुलिस के कंधों पर होती है। इन्हीं की बदौलत हम लोग सड़कों पर आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। इनकी कड़ी मेहनत और निगरानी के कारण ही हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन आज के समय के चलते अपवाद हर जगह मौजूद है, जो अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत को उछाल कर रख देते हैं। मैं आज आपको नशे में धुत होकर पुलिस वालों की ऐसी शर्मनाक और बेहुदा हरकतों से रूबरू कराऊंगा, जिसे देख आपका खून भी खोल उठेगा, जो शराब के नशे में धुत होकर आम जनता को परेशान करते और लूटते नजर आए। दोस्तों इस वीडियो के मुताबिक हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनके रेस्पेक्ट न करके उनको अपमानित करना नहीं है। पुलिस कोर्ट ऑन कैमरा रेड हैंडेड पार्ट सेकंड। इस यूपी पुलिस सिपाही की ये हरकत अप्रैल 2017 को देखने को मिली थी। यूपी पुलिस में सम्मिलित ये सिपाही एक फंक्शन के दौरान घूमने गए हुए थे, जहां पर फंक्शन के चलते डीजे की साउंड पर डिस्को डांस करती ये लड़कियां अपने डांस में मगन थी। वहीं पर बैठे हमारे यूपी पुलिस के ये सिपाही से नया नज़ारा देख रहा नहीं गया और इस वर्दी को लेकर टूट पड़े मैदान में और इसी के साथ नाचती हुई लड़कियों पर नोटों की बारिश करते भी नजर आए। वहीं बैठे किसी युवक ने इनकी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी और ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जब इनके एसएसपी तक ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने वर्दी के साथ ऐसी बेहुदा हरकत करते देख उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों मई 2018 में इस पुलिस कांस्टेबल की ऐसी बेहुदा हरकत बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रही है, जिसमें साफ पता चलता है कि इन साहब ने नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा है, जिसके चलते ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और ऑन ड्यूटी के चलते ये सब करना एक गैर कानूनी अपराध है। इनका मेडिकल टेस्ट और कुछ इन्फॉर्मेशन द्वारा पता चला कि ये साहब इंदौर के रहने वाले हैं और जब कुछ अन्य पुलिस वालों ने इनसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो तो इनको अपने चौकी का नाम तक नहीं पता था। इनसे खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होया जा रहा था तो ये आम जनता को क्या संभालेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देख के ये लगता है कि अगर हमारे बीच पुलिस प्रशासन है तो आम जनता सुखी के साथ रह पाएगी, लेकिन ये देखकर लगता नहीं कि जनता अब सुरक्षित रह पाएगी। यहाँ ये पुलिस वाला अपनी चेयर पर आराम से बैठकर बात कर रहा है और यहाँ नीचे बैठा ये व्यक्ति उसके पैर दबाकर उससे अपनी इज्जत की भीख मांग रहा है। ये व्यक्ति यहाँ अपने दंगे फसाद हो रहे घर की एफआईआर लिखवाने के लिए आया था, लेकिन ये पुलिस वाला अपनी खिदमत ही कराने लगा। इस वीडियो के चलते आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों ये तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक चीज के दो रूप होते हैं, उसी तरह पैसे के भी दो रूप होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, जिसमें साफ साफ देखा जाता है कि ये पंजाब पुलिस एक ट्रक ड्राइवर से पैसे लेते नजर आए। ट्रक के केबिन में बैठे एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें ये ड्राइवर पैसे दे रहा है और ये क्या ये अपने नोटपैड में लिखकर भी दे रहे हैं कि इन्हें आगे किसी भी चौकी पर न रोका जाए। उसी तरह ट्रक ड्राइवर से पैसे लेते पंजाब पुलिस का एक वीडियो और सामने आया है, जहां ये दो पैसे के लिए पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने और उसको बदनाम करने का काम करते हैं। ड्राइवर से चाय के लिए पैसे मांगते नजर आए, 10 रुपए की चाय के नाम पर रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं। शर्म करो यार इतनी नीची और घटिया सोच को लेकर। दोस्तों वैसे तो आज के टाइम में चालान ऑनलाइन काट दिया जाता है, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही हटके है, जहां इस ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति का 200 रुपए का चालान काट दिया था और 200 रुपए लेने के लिए इस व्यक्ति को घंटों भर बैठाए रखा। लेकिन हुआ कुछ ये था कि इस चालान को रद्द करने के लिए ब्लैक में 100 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, बट ये व्यक्ति निकला एक एडवोकेट और वो वकील जिन्हें हम लोग खुद पैसे देकर केस रफा दफा कराने का काम करते हैं। वकील साहब ने इस सारे वाक्य को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। जब पुलिस वालों को पता चला कि अब हम लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं, वह वकील के आगे हाथ पैर जोड़ने लगे। अब आप ही बताइए कि आम जनता इन जैसे भ्रष्ट पुलिस वालों के चलते खुद को कैसे सुरक्षित पा सकते हैं। उसी तरह ये पुलिस महिला ऑन ड्यूटी के चलते नशे में धुत होकर प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते नजर आई। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो तमिलनाडु का बताया जा रहा है, जहाँ ये पुलिस महिला अपने दोस्तों के साथ शराब का सेवन करती नजर आई। रात के 12 बजे थे और इनकी नाइट ड्यूटी तमिलनाडु के पास वाले एक टोल प्लाजा पर लगी थी, जहाँ ये ड्यूटी छोड़ गाड़ी में बैठकर नशे के मजे कर रही थी। ये वीडियो वायरल होने के बाद ऑन ड्यूटी नशे में पाया जाने पर इन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और इनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। अब यहाँ ये पुलिस वाला एक आम व्यक्ति के सामने हाथ पैर जोड़कर उठा बैठक लगाते अपनी इस वर्दी की भीख मांग रहा था। ये पुलिस वाला सरेआम सड़कों पर लोगों से घूस ले रहा था तो इस व्यक्ति ने इसकी वीडियो बना ली और कहने लगा कि इस वीडियो को आपके बड़े अधिकारी को दिखाऊंगा। कभी कभी ऐसी वीडियोस को देख के हंसी भी आती है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। तो ऑन ड्यूटी के चलते शराब के नशे में धुत होकर पब्लिक प्लेस में बड़ी
की आन और शान को पेशाब खाने से लेकर नालियों की कीचड़ में उछालते नजर आए। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने भी इस वीडियो को खूब दिखाया था और इसी के चलते इन्हें तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शर्मनाक बेहुदा पुलिस वालों को दिखाऊंगा जो कि गरीबों को लूटने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। इस वीडियो में ये दरोगा एक गरीब रोड पर फड़ लगाने वाले युवक के सारे टॉयज अपनी चलती निजी कार में भर लेता है। शायद इसने ये सोचा था कि मैं अपने पैसे ना खर्च करके अपनी वर्दी की तहस में सारा सामान ले जाऊंगा। इस तरह से किसी गरीब को धमकाकर उसका हक मारना एक गैर कानूनी है। मैं आपको यूपी की दिल्ली पुलिस का आज वो चेहरा दिखाऊंगा जिसे देख आप भी हैरान रह जाओगे। जहां पर एक महिला ने पुलिस वाले को रिश्वत देने से मना कर दिया था तो इस पुलिस वाले ने पत्थर उठाकर महिला पर हमला ही कर दिया था। ये घटना जितनी गंभीर थी उतनी ही ज्यादा बेहुदा हरकत भी थी। किसी जेंट्स पुलिस का एक आम लेडीज पर हाथ उठाना ये गैर कानूनी अपराध है। इसी तरह दिल्ली पुलिस की एक और वीडियो जो 1000 नहीं 2000 नहीं बल्कि 100 रुपए में बिक जाती है। इस लड़के के पास पॉल्यूशन पत्र नहीं था तो इस पुलिस वाले से कहने लगा कि आप मेरा चलान कर दीजिए, लेकिन यहाँ फूस खाने का भूत भी सर पर सवार था और बात तय हो चुकी थी अब केवल 100 रुपए में। लेकिन फूस लेने से पहले जब पुलिस वाले की नज़र कैमरे पर पहुंची तो वहां से 9-2-11 होना ही बेहतर समझा। दोस्तों, ये वीडियो जून 2016 की है जहां पर इस पुलिस ने आकर एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को एक जानवर की तरह रस्सियों से बांधकर ले जाया गया। 30 वर्षीय लड़की स्वाति सोना को पूरे परिवार पर उनकी बहू ने अपने पति और देवर के खिलाफ घरेलू दहेज प्रथा को लेकर केस दर्ज कराया था। हालांकि उसके घर वाले फरार थे लेकिन उसकी नंद वही थी जिसके बयान पर केस न होने के बाद भी उसको हिरासत में लिया गया। जानवरों की तरह किसी अपराधी को लाना ये गलत बात है। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लेते हुए गिरफ्तार करने वाली दो महिलाओं को सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते। मिलते हैं कुछ ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।